तो दोस्तों जैसे ही डबल टैप करता हूँ हमारी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, और जैसे ही डबल टैप करता हूँ तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। सो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओप्पो A83 मोबाइल में डबल टैप स्क्रीन ऑन ऑफ सेटिंग को इनेबल कैसे किया जाता है। दोस्तों डबल टैप स्क्रीन ऑन ऑफ सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेस्चर एंड मोशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर का ऑप्शन आपको मिलेगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर का ऑप्शन यहाँ दिखेगा। दोस्तों सबसे पहले इस सेटिंग इस टिक को आपको इनेबल कर देना है। इस तरह से इस टिक को इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाएगी, डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन, इसके सामने टिक है, इस टिक को आपको इनेबल कर देना है। जैसे इस टिक को आप इनेबल कर दोगे तो दोस्तों आपके मोबाइल पर डबल टैप स्क्रीन ऑन ऑफ सेटिंग इनेबल हो जाएगी। आपको फिर से मैं दिखा देता हूं। दोस्तों यहां से जैसे ही मैं डबल टैप करता हूं स्क्रीन ऑफ हो जाती है, डबल टैप करता हूं स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप ओप्पो A83 मोबाइल में डबल टैप सेटिंग इनेबल आप कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।